प्रदेश के बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने अब नई तरह का मोर्चा खोल दिया है। पानीपत में महिला शिक्षकों ने जेजेपी की नेत्री नैना चौटाला का पुतला फूंका। इनका आरोप है कि हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम चलाकर नैना चौटाला महिलाओं के सम्मान की बात करती थी, अब जेजेपी सरकार में शामिल होकर सत्ता के मजे लूटने में लगी है। प्रदेश की सियासत में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी ने जेजेपी की वरिष्ठ नेता नैना चौटाला का पुतला फूंका हो। दरअसल पानीपत में जिला सचिवालय के बाहर पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने उनके बारे में कुछ ना करने से गुस्साकर नैना चौटाला का पुतला फूंका। महिला शिक्षकों का कहना था कि नैना चौटाला ने हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान के लिए शुरू किया था, अब बीजेपी और जेजेपी सत्ता सुख में वायदे भूल गए हैं। नैना चौटाला थी ना, उसने हरी चुनरी चौपाल के नाम से एक प्रोग्राम चलाया था महिलाओं के सम्मान में। हमें नहीं लगता कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है, क्योंकि महिलाएं आपको दिख रही है रोड पे बैठी, आपकी सारी बहनें यहाँ बैठी। जो हमारी महिलाएं हैं उनकी इच्छा थी, और यह नैना चौटाला जो हरी चुनी प्रोग्राम चौपाल का काम करके सरकार झूठ बोल के, सरकार वोट बटोर के, और जो सरकार में साझा है और हमारा काम नहीं कर रही, तो हम उसका हाथ से उसको मरी समझ लेंगे, उसका पुतला फूंका गया। गौरतलब है कि प्रदेश के 1983 पीटीआई कांग्रेस सरकार में भर्ती हुए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन भर्तियों को नियमों के तहत ना होने के आधार पर इन शिक्षकों को बर्खास्त कर सरकार को दोबारा भर्ती करने के आदेश दिए थे। इसमें सरकार कर भी क्या सकती है, एक बात ये भी समझ में आती है कि पुतला पानीपत में फूंका गया, कल यहाँ इनेलो नेता अभय चौटाला आ रहे हैं। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।